Hello friends, welcome to my channel Physics is Love, and today we are talking about the motion. And in the motion we will topic is that circular motion. So here we will first of all the term circular motion के क्या है ये circular motion. Okay, so जब हम एक circle में move करते हैं, first of all जब हम circle में move करते हैं तो वो movement है जो circular motion, जो ये जो motion है उसे क्या बोलते हैं, हम circular motion बोलते हैं. लेकिन ये सर्कुलर मोशन के कुछ टर्म्स है, कुछ इक्वेशंस है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. अभी हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग ये है कि जो भी हमारा मोशन है वो एक जैसा हो. ओके, मतलब कि एक जैसे डिस्टेंस में, एक जैसा डिस्टेंस हो एक जैसे टाइम में, ठीक है, मतलब कि सिमिलर डिस्टेंस इन सिमिलर टाइम, तो वो हम बोलते हैं उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट जब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तब हम क्या बोलते हैं कि वो हम क्या, वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, ये यूनिफॉर्म क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एंड नॉन यूनिफॉर्म है अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो जब हम स्टार्ट करें दैट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ. ओके, तो ये भी यहाँ पे बोल रहा है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट मूव करे वेलोसिटी से, वो भी कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की कांस्टेंट होनी चाहिए, वो भी कैसे, इन सर्कुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ में, तब हम उसे बोल सकते हैं कि ये जो चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे से स्ट्रेट नहीं जा रही, वो कैसे जा रही है, धीरे धीरे कर्व हो रही है, मतलब के जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. क्योंकि हमें पता है सपोज हम कोई स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो भी पाथ है वो जो स्ट्रेट रोड में जो जा रहे हैं वहाँ से अगर हमारा पाथ कर्व हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. क्योंकि हमें ये डर रहता है कि हम गिर ना जाए, कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो स्पीड है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कम कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसके वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज आ रहा है, ठीक है. सो सपोज यहाँ पे देखिए कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर ट्रैक लेते हैं, अगर यहाँ पे हम पाथ की बात करें कि कितनी बार ये जो सपोज एथलीट है, तो कितनी बार एथलीट है वो अपना पाथ है वो चेंज कर रहा है, पाथ की डायरेक्शन चेंज कर रहा है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे ए टू बी वन फर्स्ट टाइम, सी बी टू सी सेकंड टाइम, सी टू डी थर्ड टाइम, और ए डी टू ए फोर्थ टाइम. ओके, मतलब कि ये फोर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है इसीलिए. इसके बाद अगर हम हेक्सागोनल ले, तो जैसे रेक्टेंगल मतलब कि चार फोर साइज साइड्स है, वैसे हेक्सागोनल में सिक्स साइड्स होती है, तो इसीलिए यहाँ पे वो सिक्स बार अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ और एफ टू ए, मतलब कि वापस उसी जगह पे आ रहा है. यहाँ पे हम सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर बार अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो डायरेक्शन है मोशन की, वो चेंज कर रहा है. यहाँ पे हेक्सागोनल में सिक्स टाइम उसने चेंज किया. इसके बाद अगर हम ऑक्टा ले, ऑक्टागोनल शेप ले ट्रैक का, तो यहाँ पे एथलीट है वो एट टाइम्स अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा. ऐसे हम कंटिन्यूसली इसकी अगर शेप है वो बढ़ाते ही जाए,
ठीक है, 8 times, 9 times, 10 times, ठीक है, 100 times, 200 times, 1000 times, वैसे अगर इसके डायरेक्शन हम अगर चेंज करते ही जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्कल जैसा हमें डिनोट करेगा, ठीक है। तो सो आफ्टर दैट दिस इज सर्कुलर ट्रैक, और यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ओके, इसकी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने जाए तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर आफ्टर डैट अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाए तो वो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने जाए तो वो ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसके एग्जैक्ट बाजू में भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊँ तो वो थोड़ा सा उसके आगे होगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर ले अपनी डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, थोड़ा भी चेंज कर ले तो यहाँ पे उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो ऑलवेज चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन का, कि एक्सेलरेटेड मोशन है वो एक तरीके का हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेट करना, मतलब कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे वेलोसिटी है वो ऑलवेज चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और हमें पता है कि जब कभी भी हमें फाइंड करना हो कोई भी ट्रैक का, अगर हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो, अगर हम उसमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो वेलोसिटी का सिंपल इक्वेशन क्या है, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। सो यहाँ पे डिस्टेंस हम ऐसा नहीं ले रहे हैं कि डिस्टेंस इसका ऐसा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कुलर मोशन है। सो सर्कल है इसीलिए हमें उसकी सर्कमफेरेंस देनी पड़ेगी, कि उसका डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस है। सो सर्कमफेरेंस क्या है हमारी, रेडियस सर्कमफेरेंस क्या है, वो है हमारा 2πr, ओके। सो इसका जो 2πr सर्कमफेरेंस है पर यूनिट टाइम कितना होगा, सो इट्स द ऑब्जेक्ट टेक्स टी सेकेंड, सब कुछ टी सेकेंड ले रहा है, और सर्कुलर पाथ की रेडियस है अगर उसकी आर है, सो लेट अस डिफाइन द स्पीड वी। सो हियर द स्पीड वी मीन्स द डिस्टेंस, मीन्स सर्कमफेरेंस पर यूनिट टाइम, मीन्स 2πr पर यूनिट टाइम, ओके। सो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सपोज हम ऐसा बोले कि कोई ये लड़का है, वो पत्थर, ये स्टोन है, स्टोन को यहाँ पे बांधे रखता है और उसके घुमाता है, बहुत ज़ोर से घुमा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन होगा, ओके। सो ये पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, वो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।